हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज अभिषेक। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ L1 पार्सिंग टेबल। ओके गाइस, इस पे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारे को एक ग्रामर गिवन थी, यही वाला हमने एग्जांपल लिया था, और इसका फर्स्ट और फॉलो हम कैसे डिराइव कर रहे थे। ओके, अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि हम उसका फर्स्ट और फॉलो कैसे जनरेट कर रहे हैं। देन आफ्टरवर्ड्स विल जनरेट दी L1 पार्सिंग टेबल। ओके एंड गाइज, इफ़ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज, ताकि आपको सारे एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे एंड इंटरव्यूज रिलेटेड सीरीज भी आपको मिलती रहती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जब भी हम अपना L1 पार्सिंग टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहली बात यह कि जो आपकी रोज होंगी ना, दे विल बी ऑल योर नॉन टर्मिनल्स, है ना। जो आपके ई है, ये जो आपके LHS पे आ रहे हैं, ई डैश, टी डैश एंड एफ, ये आपके रोज बन जाएंगे एंड दिस विल बी योर नॉन टर्मिनल्स। ओके, जिसको आप वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। और जो आपके कॉलम्स बनेंगे फ्रेंड्स, दिस विल बी योर टर्मिनल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके नॉन टर्मिनल्स आएंगे, दैट इज वेरिएबल्स, और यहाँ पे आपके सारे आएंगे टर्मिनल्स। और ये गाइस, एक बात ध्यान रखें आप, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नहीं आएगा ऊपर, एंड यहाँ पे हम अपना डॉलर लेंगे। वाई वी आर टेकिंग डॉलर, डॉलर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि गाइस, कोई भी अगर आपका स्ट्रिंग इनपुट होता है तो उसके एंड में हमारा डॉलर होता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है, अगर आपका स्ट्रिंग होता है ABCD तो उसके एंड में एक डॉलर होगा ही होगा, है ना। सो दैट इज द रीजन डॉलर जब भी आएगा, इसलिए हम उसको यहाँ पे डॉलर को रख रहे हैं। ओके, वेन एवर वी विल इनकाउंटर डॉलर, तो हमको क्या प्रोडक्शन यूज करते हैं उससे हमें वो पता चलेगा। ओके एंड फ्रेंड्स, एक और चीज़ कि हम L1 पार्सिंग टेबल बना क्यों रहे हैं, बिकॉज हम ताकि इसी टेबल का यूज़ करके हम अपना पार्स ट्री जनरेट करते हैं, ठीक है। इस टेबल की मदद से हमारा पार्स ट्री जनरेट होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो अब देखते हैं गाइस कि इसकी एंट्रीज हम कैसे फिल करेंगे। ओके, सो जैसे कि हमारा सपोज देखिए, ये वाला प्रोडक्शन है ED-TE-, तो हम इसके जो प्रोडक्शन है यहाँ पे हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें सारी रोज फिल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हम देखते चलेंगे और हमको उस हिसाब से हम अपना टेबल को फिल करते चलेंगे। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा इसका मीनिंग क्या है कि ऑन सीइंग ई अ वेरिएबल ई, कि हमको ID अगर चाहिए तो हम कौन सी प्रोडक्शन यूज़ करें कि हमको ID मिल जाए, तो वी विल राइट दैट प्रोडक्शन ओवर हेयर। ओके एंड गाइज, हमको ID मिलेगा कैसे, जब भी हमारे प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में ID आएगा, मतलब फर्स्ट में अगर ID होगा, है ना। दैट इज, अगर सपोज हमारी प्रोडक्शन है ED-TE-DERIVES ID AB, है ना, तो हमारे को अपने अगर फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट ऑफ RHS में अगर हमारे को ये ID मिलता है, तभी हम ये प्रोडक्शन जो है यहाँ पे रखेंगे, है ना। दैट्स द थिंग। सो हम देखेंगे कि हमारे का ED-TE-DERIVES गिवन है, सो इसका RHS में जो हमारे को गिवन है, इसका हम फर्स्ट देखेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑफ TE-, तो फर्स्ट ऑफ TE- मतलब फर्स्ट ऑफ टी आपका क्या हो गया गाइस, ID और ओपन ब्रेस। सो ID और ओपन ब्रेस में हम अपना ये वाला प्रोडक्शन रख देंगे, तो सिंपली ID आपका यहाँ पे हो गया, सो वी विल राइट ED-TE-DERIVES एंड देन ओपन ब्रेस आपका सिंपली, सो वी विल राइट ED-TE-DERIVES। ओके फ्रेंड्स, सो सिंपल एक प्रोडक्शन था, हमने चेक किया कि हम इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे। सो गाइस, इसको हम सिंपली प्लेस करेंगे इन दी फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज फर्स्ट ऑफ टी मतलब आपका क्या हो गया गाइस, ID एंड ओपन ब्रेस। सो दैट्स द थिंग, हमने ID और ओपन ब्रेस के कॉलम में हमने इसको सिंपली रख दिया। ओके नाउ गाइस, हम सेकंड वाले प्रोडक्शन को देखते हैं। सो ED-TE-DERIVES प्लस TE- और एप्सिलॉन, तो यहाँ पे मेरी दो प्रोडक्शन गिवन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व फॉर दिस प्रोडक्शन, पहले इसको देखते हैं ED-TE-DERIVES प्लस TE-, तो गाइज हम इसको कहाँ पे रखेंगे, इस वाली प्रोडक्शन को, मतलब इस वाले कॉलम में कहाँ प्लेस करेंगे, इन दी फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, फर्स्ट ऑफ प्लस TE- आपका क्या होगा, प्लस होगा, है ना। सो सिंपली विल प्लेस दिस प्रोडक्शन, दैट इज ED-TE-DERIVES प्लस TE- इन दी प्लस कॉलम, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा गाइज ED-TE-DERIVES प्लस TE-। ओके, तो आपका ये आ गया। अब गाइस बात करते हैं तीसरे, जो हमारा प्रोडक्शन है दूसरा प्रोडक्शन, दैट इज ED-TE-DERIVES एप्सिलॉन। अब बिकॉज आपके पास कोई कॉलम ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका एप्सिलॉन आता हो, सो व्हाट वी विल डू इज गाइस, हम एप्सिलॉन जब भी आपका एप्सिलॉन बनता है, या तो यहाँ पे बनता है या फिर कुछ भी प्रोडक्शन, जैसे आपका फर्स्ट यूज करने के बाद यहाँ पे भी अगर आपका एप्सिलॉन बनता है, तो एप्सिलॉन आने पे आप उसको प्रोडक्शन को कहाँ पे प्लेस करेंगे, इन दी फॉलो ऑफ LHS, दैट इज फॉलो ऑफ ED- में हम इसको प्लेस करने वाले हैं। सो फॉलो ऑफ ED- क्या है गाइस, डॉलर एंड क्लोज ब्रेस। सो सिंपली डॉलर और क्लोज ब्रेस पे हम इस वाली प्रोडक्शन को रख देंगे, सो ED-TE-DERIVES एप्सिलॉन एंड देन ED-TE-DERIVES एप्सिलॉन। ओके, सो वेन एवर यू विल इनकाउंटर अ एप्सिलॉन, दैट इज ED-TE-DERIVES एप्सिलॉन, या किसी भी प्रोडक्शन में आपका एप्सिलॉन आता है, तो उस समय आपको क्या करना है, यू विल हैव टू राइट दीज प्रोडक्शन इन द फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सो फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या था, ED-TE-DERIVES, सो फॉलो ऑफ ED-TE-DERIVES इज वट, डॉलर एंड क्लोज ब्रेस। सो सिंपली डॉलर और क्लोज ब्रेस वाले कॉलम में आपने इन प्रोडक्शंस को लिख दिया। ओके, सो ये हमारा हो गया पहला प्रोडक्शन, सिंपली हमने फिल कर दिया, एंड सेकंड प्रोडक्शन को भी हमने अपने कॉलम में फिल कर लिया, ठीक है, टेबल में। नाउ गाइस लेट्स सी कि थर्ड प्रोडक्शन को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, सो TE-DERIVES FT-, तो हम इसको प्लेस करेंगे इन द फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज फर्स्ट ऑफ FT-, आपका क्या होगा, इस फर्स्ट ऑफ F इज ID एंड ओपन ब्रेस, सो ID और ओपन ब्रेस में हम ये प्रोडक्शन को फिल कर देंगे। सो ID इज हेयर, सो वी विल राइट TE-DERIVES FT-, एंड ओपन ब्रेस में सिंपली हमारा आ जाएगा TE-DERIVES FT-। नाउ गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोडक्शन, TE-DERIVES
स्टार एफ टी डैश एंड एप्सलॉन। तो पहले हम ये वाली प्रोडक्शन देखते हैं, टी डैश डिराइव स्टार एफ टी डैश। तो इसका हमारा फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड इज स्टार एफ टी डैश में हमारा फर्स्ट क्या हो गया सिंपली गाइज स्टार। ओके सो विल प्लेस दिस प्रोडक्शन अंडर स्टार, तो स्टार कॉलम हमारा यहाँ पे, तो विल सिंपली राइट टी डैश डिराइव स्टार एफ टी डैश। एंड नाउ सेकेंड प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो टी डैश डिराइव एप्सलॉन है। अब क्योंकि एप्सलॉन है तो व्हाट वी विल डू इज हम इसको एल एच एस के फॉलो में रखेंगे। सो फॉलो ऑफ टी डैश डिराइव एप्सलॉन मतलब इसके फॉलो ऑफ टी डैश में रखेंगे। सो फॉलो ऑफ टी डैश क्या आएगा आपका प्लस क्लोज ब्रेस एंड डॉलर। सो गाइज तीनों कॉलम में हम रख देंगे टी डैश डिराइव एप्सलॉन। सो गाइज प्लस में हमने लिख दिया सिंपली देन क्लोज ब्रेस, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टी डैश डिराइव एप्सलॉन। ओके गाइज यहाँ पे नहीं है, क्लोज ब्रेस में है तो सिंपली ओपन ब्रेस यहाँ पे नहीं आएगा, क्लोज ब्रेस में। तो विल गेट टी डैश डिराइव एप्सलॉन एंड देन सिंपली टी डैश डिराइव एप्सलॉन। ओके यहाँ पे नहीं आएगा। सो गाइज नाउ लेट्स सी द लास्ट प्रोडक्शन, इसको हम प्लेस करेंगे इन द फर्स्ट ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड क्या हो गया गाइज हमारा आईडी, सो एफ डिराइव्स आईडी हमारा सिंपली आईडी वाले कॉलम में फिल कर देंगे हम एफ डिराइव्स आईडी। एंड गाइज एफ डिराइव्स दिस मतलब ये हमारा अलग से प्रोडक्शन हो गया ना, एफ डिराइव्स ओपन ब्रेस ई एंड देन क्लोज ब्रेस। तो इसका आर एच एस का हमारा फर्स्ट क्या होगा, दैट इज ओपन ब्रेस। तो सिंपली हम इस प्रोडक्शन को प्लेस कर देंगे इस वाले कॉलम में गाइज एफ डिराइव्स दिस। सो ये गाइज हमारा पूरा बन गया है एल एल वन पार्सिंग टेबल। ओके एक बारी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। सो दिस इज द टेबल, यहाँ पे हमारा डैश है, ओके टी डैश है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है एंड दिस इज ई डिराइव्स टी ई डैश। सो गाइज इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको जब भी किसी प्रोडक्शन के आर एच एस में एप्सलॉन मिलता है तो सिंपली आप उसके फॉलो ऑफ एल एच एस में डाल देंगे उसको कॉलम में वैल्यूज। तो फॉलो ऑफ जैसे हमारा था ई डैश डिराइव एप्सलॉन, तो इसका एल एच एस का हमारा फॉलो क्या है डॉलर एंड क्लोज ब्रेस। तो सिंपली ई डैश डिराइव एप्सलॉन आपका कहाँ पे आ जाएगा गाइज डॉलर एंड क्लोज ब्रेस में, ठीक है। तो आपका ये सबसे एक मेन पॉइंट हो गया। एंड देन जब भी आप इसको फिल कर रहे हैं गाइस इस रो को किसी भी प्रोडक्शन के, सो यू विल सी दी फर्स्ट ऑफ आर एच एस, दैट इज अगर हम ई डैश डिराइव टी डैश देख रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ टी डैश आपका क्या होगा गाइस फर्स्ट ऑफ टी, एंड फर्स्ट ऑफ टी इज वट आई डी एंड ओपन ब्रेस ही हमने निकाल के रखा हुआ है। तो सिंपली हमने क्या किया गाइस आई डी और ओपन ब्रेस में, दैट इज आई डी एंड ओपन ब्रेस में यहाँ पे अपना प्रोडक्शन हमने डाल दिया। ओके सो दिस द थिंग, एंड इस पार्सिंग टेबल को प्रोड्यूस कर लिया हमने, इसको यूज करके हम अपना पार्सिंग ट्री बनाएंगे, दैट इज पार्स ट्री को जनरेट करेंगे। सो गाइस ट्री को हम कैसे जनरेट करते हैं पार्स ट्री को, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपके रोज सारे नॉन टर्मिनल्स रहेंगे एंड आपकी जो कॉलम्स हैं दैट विल बी योर व्हाट टर्मिनल्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है गाइस, कि क्या हमारी कोई भी ग्रामर को यूज़ करके हम अपना एल वन पार्सिंग टेबल बना सकते हैं? नहीं यार ऐसा नहीं होता है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि ना जो आपका सपोज ये एक सेल है ना पर्टिकुलर सेल, इसमें हमारी दो दो प्रोडक्शन भी आ सकती है। मतलब यहाँ पे तो हमारा एक ही प्रोडक्शन आ रहा है ई डैश डिराइव टी ई डैश, अगर हमारा यहाँ पे एक और प्रोडक्शन आता है गाइस तो वी विल से दैट येस वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एल वन पार्सिंग टेबल, वो हमारा सिचुएशन गलत माना जाता है। मतलब उस वाली ग्रामर को यूज़ करके वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दी पार्सिंग टेबल। सो गाइज नाउ लेट्स सी एक और एग्जांपल देखते हैं, हमको एल वन पार्सिंग टेबल बनाना है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इफ़ यू हैव लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर फ्रेंड्स एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर अगर आपको गिवन है तो यार हम उसको एल वन पार्सिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके इट के नॉट बी यूज फॉर एल वन पार्सिंग, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एंड वट वी आर सपोज टू विथ, अगर हमारे को लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर गिवन है हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंटू राइट रिकर्सिव ग्रामर दोस्तों, और अगर आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर गिवन है यू विल कन्वर्ट इट इंटू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। हाउ, उसको हम लेफ्ट फैक्टरिंग का कंसेप्ट यूज करके उसको रिमूव करेंगे। ओके तो तब प्रोबेबिलिटी बनती है कि वी कैन यूज दैट ग्रामर फॉर एल वन पार्सिंग, तब भी 100% श्योर नहीं होता है गाइस कि हम उसका एल वन पार्सिंग टेबल बना पाएंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि दैट इफ ग्रामर अगर आपकी राइट रिकर्सिव है और आपकी डिटर्मिनिस्टिक भी है तब भी ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपकी मतलब वो ग्रामर एल वन पार्सिंग के लिए यूज़ ना हो, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि बन भी जाए आपका एल वन पार्सिंग टेबल और ना भी बने। ओके सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। सो अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तब तो एकदम सीधा हो जाएगा कि वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द एल वन पार्सिंग टेबल, ओके इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आपकी ग्रामर राइट रिकर्सिव है, इसको अगर हमने कन्वर्ट भी कर लिया और इसको भी अगर हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर, और इफ़ यू हैव अ ग्रामर विच इज़ राइट रिकर्सिव एंड डिटर्मिनिस्टिक, देन इट माइट हैपन कि एल वन पार्सिंग टेबल बन पाए एंड इट माइट ऑल्सो हैपन कि ना भी बन पाए। ओके सो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी गाइस इसके लिए डिटेल में हम फ्यूचर वीडियोज में देखने वाले हैं, ठीक है कंसेप्ट। सो नाउ लेट्स सी एल वन पार्सिंग टेबल हम कैसे बना रहे हैं। सिंपली गाइस हमको ये ग्रामर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके फर्स्ट ऑफ फॉलो कैसे निकल रहे हैं, वैसे आपको ऑलरेडी आता है बट देन ऑल्सो लेट अस सी, एक बार डिविजन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ एक गाइस हमारा क्या हो जाएगा सिंपली एप्सिलॉन, व्हाई इज इट सो, बिकॉज ए इज डिराइविंग ओनली एप्सिलॉन। सिमिलरली बी भी आपका हो जाएगा एप्सिलॉन, बिकॉज बी से हमारा सिर्फ एप्सिलॉन ही हम डिराइव कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड हम इसकी बात करते हैं जब एस डिराइव्स ए, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ दिस आर एच एस, दैट इज फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए इज आपका एप्सिलॉन, बट हम एप्सिलॉन नहीं लेंगे, हम एप्सिलॉन को यहाँ पुट करेंगे तो सिंपली विल गेट व्हाट
एस डिराइव स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी. तो सिंपली ए ए बी में हमारा फर्स्ट ऑफ दिस आर एच एस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ आर एच एस विल बी ए, तो सिंपली स्मॉल ए आ गया. एंड सिमिलरली गाइज जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ एस, तो इसका हम देखेंगे सेकंड प्रोडक्शन हमारी जो हो गई, फर्स्ट ऑफ एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी 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 ए, बी की जगह आप अपना एप्सिलॉन रखोगे तो सिंपली हमारा क्या बचेगा स्मॉल बी कैपिटल बी एंड ए. तो फर्स्ट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट स्मॉल बी, तो सिंपली हमारा आ गया बी. ओके नाउ फॉलो की बात करते हैं, तो फॉलो ऑफ एस विल बी इक्वल टू फॉलो ऑफ एस हमेशा हमारा क्या होगा गाइस डॉलर होगा, ठीक है, हम ये बहुत बार देख चुके हैं. फर्स्ट फॉलो ऑफ फर्स्ट सिंबल विल बी डॉलर, तो सिंपली डॉलर आ गया. एस आपका कहीं और नहीं है, दैट्स वाई आपका डॉलर ही रहा. सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ए की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ए आपका यहाँ आ रहा है आर एच एस पे, तो फॉलो ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट स्मॉल ए, सिंपली आपका हमने लिख लिया स्मॉल ए. एंड हमारा ए कहाँ आ रहा है आर एच एस पे हम वो देखेंगे, ए आपका यहाँ पे भी आ रहा है, सो दैट्स वाई फॉलो ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट बी ऑल्सो, तो दैट्स वाई आपका बी भी आ गया. सिमिलरली आपका फॉलो ऑफ बी विल बी इक्वल टू स्मॉल बी एंड देन स्मॉल ए, तो बी और ए आ गया. ओके तो ये तो हमने बना लिया फर्स्ट और फॉलो फिल कर लिया अपने टेबल में. लेट्स फिल दी एलेवन पार्सिंग टेबल. ओके तो सिंपली हम इसका प्रोडक्शन को कहाँ पे प्लेस करेंगे, सो गाइज वी विल प्लेस दिस प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ऑफ दिस आर एच एस. ओके सो फर्स्ट ऑफ दिस आर एच एस क्या होगा गाइज हमारा फर्स्ट ऑफ ए, ए की जगह हमारा है एप्सिलॉन, तो वी विल सिंपली पुट हियर एप्सिलॉन, तुम्हारा क्या हो जाएगा गाइज स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी, तो सिंपली फर्स्ट क्या हो जाएगा गाइज हमारा स्मॉल ए, सो दैट्स वाई विल पुट दिस प्रोडक्शन इन दिस ए कॉलम, तुम्हारा हो जाएगा एस डिराइव्स ए स्मॉल ए बी. ओके सिमिलरली फॉर दिस प्रोडक्शन एस डिराइव्स कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी ए. ओके सो हमको ये वाली प्रोडक्शन गाइस कहाँ पे प्लेस करनी है, इन दी फर्स्ट ऑफ दिस आर एच एस, तो फर्स्ट ऑफ आर एच एस क्या गाइस आपका फर्स्ट ऑफ आर एच एस इज बी, बी की जगह अगर आप रिप्लेस करते हो एप्सिलॉन, तो सिंपली आपका क्या बचेगा गाइस स्मॉल बी कैपिटल बी एंड ए, तो फर्स्ट ऑफ दिस क्या होगा आपका दैट इज दिस टर्मिनल, तो आपका स्मॉल बी हो जाएगा. सो विल प्लेस दिस प्रोडक्शन अंडर स्मॉल बी कॉलम, तो आपका हो जाएगा इस एस डिराइव्स कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल ए. ओके तो आपका ये हो गया सिंपल सा. एंड नाउ लेट्स सी कि हमारा ए डिराइव्स एप्सिलॉन कहाँ पे प्लेस होगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन गाइज. मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ आर एच एस आपका जब भी एप्सिलॉन होता है, इस केस में हमारा आर एच एस एप्सिलॉन है ना, दैट्स वाई, तो फर्स्ट ऑफ आर एच एस जब भी आपका एप्सिलॉन होगा देन वी विल डू व्हाट फॉलो ऑफ ए, वी विल सी दी फॉलो ऑफ ए और उसके कॉलम में हम उसको प्लेस कर देंगे. तो फॉलो ऑफ ए आपका क्या है गाइज ए और बी, तो सिंपली ए डिराइव्स एप्सिलॉन आपका ए और बी कॉलम में हम प्लेस कर देंगे, तो सिंपली ए डिराइव्स एप्सिलॉन एंड ए डिराइव्स एप्सिलॉन. एंड सिमिलरली फॉर दिस लास्ट प्रोडक्शन बी डिराइव्स एप्सिलॉन, यहाँ पे भी हमारा एप्सिलॉन आ रहा है क्योंकि आर एच एस में एप्सिलॉन आ रहा है, दैट इज द रीजन विल सी दी फॉलो ऑफ एल एच एस. फॉलो ऑफ एल एच एस क्या है आपका फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी क्या है गाइस बी और ए, तो सिंपली हम बी डिराइव्स एप्सिलॉन को ए और बी कॉलम में रख देंगे. ओके सो सिंपली आपका हो जाएगा बी डिराइव्स एप्सिलॉन एंड बी डिराइव्स एप्सिलॉन. सो गाइज देयर फोर क्योंकि हमारा एक बॉक्स में एक ही हमारा प्रोडक्शन है, दैट इज वाई वी कैन से कि ये हमारा एल एल वन पार्सिंग टेबल बन सकता है, तो दिस इज द एल एल वन ग्रामर हम बोल सकते हैं. ओके फ्यूचर में गाइज हम ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जिसमें हमारा एक ही सेल में, मतलब जो हमारा एक बॉक्स है इसमें हमारी एक से ज़्यादा प्रोडक्शन होंगी, और वो वाली हमारी ग्रामर जो होंगी दे विल नॉट बी कम्फर्टेबल फॉर वट हमारा एल वन पार्सिंग, ठीक है, दे विल नॉट बी सुटेबल फॉर दैट. सो दैट सेड फ्रॉम दिस वीडियो गाइज एल वन पार्सिंग टेबल के दो एग्जाम्पल हमने देखे. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, ऐसी एजुकेशनल वीडियोज मिलते रहेंगे. एंड गाइज प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोज भी डले हुए हैं, आप लिंक्स चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में. एंड यस टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम.